हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ अनम काजमी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे भी होंगे, टिप टॉप होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे और हमारे शो का इंतजार भी कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही हमारा शो शुरू होता है तो सबको पता चल जाता है कि आज टॉप स्टोरीज के ऊपर डिस्कशन होने वाली है। आज तमाम अहम मामला हम नजर डालेंगे। तो जैसे की अगर हम बात कर रहे थे कल भी PSP के हवाले से, MKM पाकिस्तान के हवाले से, तो खबरें आज भी कुछ वैसे ही है। लेकिन कल हमने देखा की DG रेंजर्स ने एक बयान दिया है सारी सूरत हाल पर, इस सारे मौके पर, और सारी बातें बिल्कुल क्लियर होने कि एक्चुअली उनका स्टांस क्या है, एक्चुअली उनके बारे में जो बातें हो रही थी, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो बातें हो रही थी, तो सारे तहफ़ुज़ात जो हैं वो उन्होंने क्लियर कर दिए हैं। और खासकर मुस्तफा कमाल का वो बयान कि जो MKM पाकिस्तान है वो DG रेंजर बिलाल अकबर के कमरे में बनी, तो उस पर उनका यह कहना था कि अगर ऐसा होता तो MKM के खिलाफ, MKM पाकिस्तान के खिलाफ जितने मुकदमात थे वो मुकदमात ना बनते और ना चल रहे होते, और अब भी जितने मुकदमात हैं उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और जो भी इस बार है उसको सजा दी जाएगी। साथ साथ उन्होंने कहा कि 8 माह से हमारे राबते हैं और राबते इसलिए हैं क्योंकि मुल्क की सूरत हाल में, मुल्क की तनाजुर में ये तमाम चीज़ें जो है बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, और साथ साथ तशद्दुद की सियासत को बिल्कुल भी फ़रोग नहीं दिया जाएगा। और जहां तक बात की जाए अमन अमान की, तो कराची शहर के हवाले से भी उन्होंने बात की कि कराची शहर में जो है वो अमन कायम किया और किस तरीके से रेंजर्स का अहम किरदार है कराची शहर में, किस तरीके से कराची के आवाम रेंजर्स को पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और हम भी जो है वो रेंजर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं कि कराची के अमन में इतना अहम किरदार अदा किया है। दूसरी जानब आज का दिन भी समातों से भरपूर है, आज भी समाते हो और आज भी जो है PTI के हवाले से भी समाते हैं, आज नून लीग के हवाले से भी समाते हैं, जबकि आज PTI के हवाले से हम आपको एक और इशू के ऊपर भी बताएंगे कि PTI जहां पर अपोजिशन को, बीइंग अपोजिशन बहुत टफ टाइम दे रही है पॉलिटिकल पार्टीज को, वहीं PTI के हवाले से शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया है और शजरकारी मुहिम में कितने दरख्त लगाए गए और क्या क्या चीजें हुई, इस हवाले से आज के शो में हम डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल जनाब, ये तो तमाम तर सूरत हाल थी, मंजरनामे पर क्या कुछ हो रहा था, लेकिन ओवरऑल मौसम के हवाले से भी आपको बताएं तो बारिशों का नया सिलसिला हमारे मुल्क के अंदर एंटर हो चुका है, जिसके बाद धुंध से सताए आवाम के लिए खुशखबरी ये है कि बहुत जगहों पर धुंध ने छटना शुरू कर दिया है, मौसम खुशगवार होना शुरू हो और अब बाकायदा तौर पर मौसम में सर्मा का आगाज हो जाएगा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो जाएगा। तो बहुत केयरफुल रहिएगा क्योंकि यही मौसम होता है, जब वक्त और मौसम बदल रहा होता है तो उस टाइम पर बीमारियां बहुत ज्यादा लगती हैं और फिर स्कूल में अटेंडेंस भी कम होना शुरू हो जाती है, तो जरा ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चों के अंदर नज़ला जुकाम की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही हो जाती है। एनीवे, ये तो जरा मौसम के हवाले से बातचीत थी। उसके अलावा एक और चीज जिसके बारे में आज बात करना अहम है वो ये है कि आज का दिन आलमी तौर पर इंटरनेशनली डायबिटिक डे मनाया जाता है, और आज का दिन जो है वो बेसिकली उन तमाम लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है कि हमारे दरमियान, हम लोगों के दरमियान शुगर इतनी तेजी से क्यों फैल रही है। बहुत सी वजूहत है इसकी, जिसके ऊपर सबसे बड़ी वजह यह कि हमें मोटापा होता है, फिर हमारी कुछ एक्टिविटीज इस तरह की नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटीज में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, में बैठे रहते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, TV यूज करते हैं, अगर अपने ऑफिसेज भी जा रहे हैं तो जनाब वहां पर डेस्क पे बैठकर काम कर रहे हैं, तो कोई फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से एक तरफ तो मोटापा बढ़ा है, साथ साथ डायबिटीज भी बढ़ी है, जिसके हवाले से WHO का ये कहना है, उनकी जो रीसेंट अभी रिपोर्ट आई है सबके ऊपर, उनका कहना है कि अगर कोई खातिर ख्वाह इकदाम इस हवाले से नहीं किए गए तो 2030 तक सूरत हाल कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये जो डायबिटीज़ है वो 7th फेटल डिजीज बन जाएगी और इतनी ज़्यादा अमवात इन डायबिटीज़ से भी होना शुरू हो जाएंगी, तो हम बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। इस हवाले से आगे चलकर बातचीत भी करेंगे कि आखिर इससे बचाव के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं, किस तरह से हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो है वो आज बातचीत होगी। उसके अलावा सियासत कुछ अहम समाते हैं जिस हवाले से आपको जरूर अपडेट करेंगे। एक तो हमारी समात है जहांगीर तरीन के, दूसरी इमरान खान के हवाले से भी, और आज साथ साथ इसहाक डार की भी पेशी के हवाले से बातचीत की जा रही है, जिस पर तफसीली तौर पर करेंगे अभी अपने अखबार के सेशन में। लेकिन सबसे पहले आज की हमारी टॉप हेडलाइंस। बाय
22 अगस्त को मीडिया पर हमले के तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। मुत्तहिदा पाकिस्तान रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में बनी होती तो इन पर मुकदमा कैसे बन जाते। पीएसपी और एमकेएम से राब्ता 8 माह से हो रहा है, कोई इंजीनियर्ड सियासत नहीं हो रही, ना ही कोई पॉलिसी गाइडलाइन दी जाती है। दोनों से कहा गया है कि जो चाहे सियासत कर ले, लेकिन खून खराबा नहीं होना चाहिए। डीजी रेंजर्स सिंध मोहम्मद सईद का इंटरव्यू। नुकता नजर जरूर दे देते हैं, वो जरूर कह देते हैं ऐसा कि इकट्ठे होना चाहें तो ये कराची के अमन के लिए बेहतर होगा, लेकिन इसको ये कहना कि कोई इदारे के तौर पे एक पॉलिसी गाइडलाइन उनको दी जा रही है, ऐसा कतई नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपकी नवाजिशें हम पर कुछ ज्यादा ही है। अगेन एक्सपंज अंटिल अनलेस शी विल नॉट मूव हर कॉल अटेंशन। सबसे ज्यादा इस असेंबली में जो बिजनेस हुआ है वो एक्सपंज। आप इनका माइक ऑफ करें, मैं नेक्स्ट कॉल अटेंशन ले रही हूँ। कभी अम्मी कभी बेटा कभी उस्तानी, सिंध असेंबली में एक बार फिर डिप्टी स्पीकर शहला रजा और अपोजिशन अरकान में तल्ख कलामी। नुसरत सहराबासी का ऐवान से वॉकआउट, अपोजिशन का डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा कराने का फैसला। बादल आए तो स्मोक जाने लगी, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू। सर्दी में इजाफा, स्मोक और धुंध में कमी, कराची समेत सिंध की दीगर मुकामात पर आज रात से रिमझिम की पेशगोई। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डायबिटीज से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो जनाब ये तो हो गई हमारी टॉप स्टोरीज, और अब पढ़ेंगे हम आज के अखबारात की जानेब। शह सुर्खियां में क्या है ये आपको बताते हैं। जी जनाब, सबसे पहले आज की बड़ी और अहम खबर, मुश्तरका मफादात कौंसिल, जैसे कि मैं कल भी जिक्र कर रही थी कि हमारे वजीर आजम शाहिद ककान अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी की बहुत ज़्यादा इसरार के बाद इस मुश्तरका मफादात कौंसिल को किया गया और अच्छी बात यह है कि जनाब तमाम पार्टी सब पर मुतफिक हो गई हैं कि हम आइनी तरमीमी बिल जो है उसको पेश करेंगे। पहले कौमी असम्बली से उसको पास कराया जाएगा, दिन सैनट से पास कराया जाएगा, और ओवरऑल जो वक्त पर इंतखाबात की बातें हैं वो बातें अब थम चुकी हैं। सिचुएशन जो है वो बहुत हद तक क्लियर हो गई है। कल हमने देखा कि तमाम जो हमारे चारों वज़राए आला था वो भी आम इंतखाबात बरवा करवाने पर इत्तफाक कर गए हैं। तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है इस मेन खबर को जो है वो यहाँ पर इन्होंने अपनी हेडलाइन बनाया हुआ है। जबकि इसके अलावा अगर कुछ दीगर खबरों का जिक्र करें तो आज की कुछ अहम पेशियों के हवाले से आपको जरूर बताएंगे, जैसे कि इसहाक़ी आज पेशी होने जा रही है। वैसे तो उनके असासे मुंजमद करना शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसहाक़ डार के केस में कुछ डेवलपमेंट यूँ हुई है कि रावंट के दो प्लॉट जो है वो आज उनके मुंजमित किए जा रहे हैं। 13वीं उनकी आज पेशी है। इसके साथ साथ 50 लाख के जमानती मचल के जो अब तक जमा कराए गए थे, कहा जा रहा है कि अगर आज वो पेश नहीं होते तो उन मचलकों को भी जब्त कर लिया जाएगा। साथ साथ इमरान खान के खिलाफ भी नाअहली का केस चलेगा और जहांगीर तरीन के खिलाफ भी नाअहली केस की आज समाअत होगी। तो ये अहम खबरें कुछ। अच्छा, आपने सागर केस के हवाले से बात की, कल हम उसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं और दूसरी समातें जो हैं वो तो अब आए रोज का हिस्सा है और वो जारी रहेंगी, उस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन जंग की जो इस वक्त अहम खबर है वो यहाँ पर खबर है अफगानिस्तान से, कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का पाकिस्तानी चौकी पर हमला, कैप्टन समेत 2 शहीद, 10 हमलावर हलाक। कुन्नड़ से आए थे ये दहशतगर्द और दहशतगर्दों के हमले में कैप्टन जुनेद और सिपाही राहिम ने जामे शहादत नोश किया। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, कई हमलावर जख्मी हालत में फरार, दफ्तर खारजा की हमले की मजम्मत। तो जहां हम देखते हैं कि हम ईरान से बेहतर ताल्लुकात कर रहे हैं, जहां हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के साथ में हम बॉर्डर मैनेजमेंट कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ में हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हमारे मामलात बेहतर हो जाएं, किसी तरीके से उनसे हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, क्योंकि डेफिनेटली हमारा बॉर्डर उनके साथ लगता है, बॉर्डर मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार हमारे जो सियासतदान हैं वो चाहते हैं कि उनसे बातचीत की जाए, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से भी जो है इस तरह की चीज़ों की रोकथाम नहीं की जाती है। और फिर इसके बाद जब पाकिस्तान कोई कड़ा स्टांस लेता है या पाकिस्तान की जानिब से कोई सख्त मजम्मती बयान आता है तो उसके बाद अफगानिस्तान की जानिब से ये कहा जाता है कि शायद पाकिस्तानी जो है वो उनसे नफरत का इजहार करते हैं या फिर पाकिस्तान उनसे बनाना ही नहीं चाहता है। तो इंतहाई अफसोसनाक खबर है। इसमें भी पाक फौज के जो जवान हैं कैप्टन जुनेद वो शहीद हुए हैं, उनको हम खराज तहसीन पेश करेंगे। और पाक फौज जितनी कुर्बानियाँ दे रही है बिल्कुल उसका कोई सानी नहीं है, इतना ज़बरदस्त पा कर रही है। और दूसरी जो खबर यहाँ पर लगी हुई है वो खबर जो है वो हुदैबिया केस के हवाले से लगी हुई है, और जस्टिस खोसा जो है अलग हो गए हैं, इस हवाले से भी हमने आपको जो है वो
कल अपडेट किया था। बिल्कुल जनाब, यही सेम खबर यहाँ पर भी मेंशन है। और इसके अलावा अगर कुछ एक्टिविटीज आपको बताएं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में आजकल क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, तो नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कल भी एक अहम इजलास हुआ। तवील मुशावरती इजलास में ये फैसला किया गया है कि अगर इदारे जो हैं वो अपनी आईनी हदूद से तजावुज करेंगे तो फिर हम इस पर आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। इसके अलावा आप जैसे कि जानते हैं कि अब नवाज शरीफ की जानिब से अवामी राबता मुहिम भी शुरू की जाएगी, जगह जगह पर जलसे और जुलूस निकाले जाएंगे, इजलास किए जाएंगे और रैलियां निकाली जाएंगी। और वो सब इसलिए क्योंकि आगे इंतखाबात आ रहे हैं। और जहां तक इदारों के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि अगर इदारे जो हैं वो इंसाफ करने से कासर होंगे तो फिर हम ज़रूर इन चीज़ों पर भी आवाज़ उठाएंगे। इसके अलावा जनाब, कल उनकी एक अहम पेशी भी है और आज जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद भी रवाना होंगे और कल जो है वो अदालत के सामने पेश भी होंगे। इसके साथ साथ दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने भी ऐलान किया है कि जनाब वो अपने यौम तासीस के मौका पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पावर शो करेंगे। इस्लामाबाद परेड ग्राउंड के अंदर वो अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे। ओवरऑल यही सिलसिला जो है वो हम मुख्तलिफ पार्टीज में देख रहे हैं। इमरान खान तो वैसे ही हमें जलसे जुलूस के मामले में बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं, लेकिन अब नून लीग की जानिब से भी और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इंतखाबात से पहले ये अवामी राबता मुहिम शुरू की जाएगी और जगह जगह पर हम देखेंगे कि फिर से रोड्स ब्लॉक होंगी सुबह और वही कंप्लेंट्स अवाम की जानिब से की जाएंगी कि जनाब हमारी रोड्स की ब्लॉक कर दी गई। अब इस्लामाबाद में भी मैं देख रही थी पिछले दिनों कोई मौलाना वगैरह ने धरने दिए हुए थे और बहुत लंबी कतारें लगी हुई थी। इस वजह से ज़्यादा परेशान भी हुए कि जी जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है तो हमारी सड़कें रोक दी जाती हैं, हमें कामों से देर होना शुरू हो जाती है, हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे होते। तो वाकई में इसका भी मेरा ख्याल है कोई ना कोई सलूशन जरूर निकालना चाहिए। बिल्कुल, अगर नून लीग की जानिब से कहा जाए तो लोग और तजिया का बसीरत रखने वाले लोग यही कहते हैं कि अगर वो जीटी रोड के बदले मोटरवे चूज करते तो आज उनके लिए इतनी मुश्किलात ना होती। तो लेट्स सी कि अब अगले जो वो जलसे करने जा रहे हैं या जो राबता मुहिम उन्होंने स्टार्ट की है जिसमें अवाम को बताएंगे भी कि उनको क्यों निकाला गया और उनके साथ क्या जुल्म हुआ है, तो लेट्स सी अवाम कितने कन्विंस होते हैं। अब ये 18 ने बताना है कि उनका वोट बैंक जो है वो कितना मूव हुआ है या कितना स्टैटिक है। खैर, अगर मैं दीगर खबरों की जानिब बढ़ूँ तो दीगर खबरों में जो है यहाँ पर एक इंतखाबात के हवाले से खबर लगी हुई है कि बरवक्त इंतखाबात आखिरी कार जो है उस हवाले से पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि बरवक्त जो है वो इंतखाबात करवाए जाएं। जबकि अगर ओवरऑल शॉर्ट न्यूज़ शामिल की जाए तो यहाँ पर शॉर्ट न्यूज़ है कि मरियम नवाज तौहीन अदालत केस मौजूदगी पर समाअत आज तक मुलतवी कर दी गई है। और एक और यहाँ पर अहम खबर है वो यह है कि इसाक डार की मुश्तरका मुफादात कौंसिल से रुकनियत भी खत्म कर दी गई है, जबकि एहसन इकबाल को जो है वो रुकन मुकर्रर किया गया है। तो ओवरऑल सियासी सूरतेहाल ये चल रही है। जबकि मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से बात की जाए, कल का जो बयान था डी जी रेंजर का वो इंतहाई अहम बयान था। उन्होंने तमाम तरसूरत वाजे कर दी है जिसपे मुस्तफ़ा कमाल ने भी जो है वो कुछ बयान दिए हैं और मुस्तफ़ा कमाल ने यही कहा है कि मुझसे पहले इस्टेब्लिशमेंट की बात जो है वो एनकेएम पाकिस्तान की जानिब से की गई और तो इसी वजह से डॉन का जो न्यूज़पेपर है वो लेकर आया था क्योंकि उसमें सबसे पहले वो खबर लीक की गई और उसमें बताया गया एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से कि एक्चुअल रीज़न क्या है। तो मेरे ख्याल में अब पिक्चर क्लियर होने लग गई है और अब समझ आने लगा है कि एक्चुअली कराची की सियासत में हो क्या रहा है। तो आगे बढ़ेंगे और मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे और मुख्तलिफ शहरों के रुख में हम सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद जान लेते हैं कि वहां पर आज कौन कौन सी अहम समातें होने जा रही है। हमारे नुमाइंदे यासिर नजर लाइन पर मौजूद है। जी यासिर, अपडेट कीजिएगा इस्लामाबाद में आज क्या क्या एक्टिविटीज होने जा रही है, ओवरऑल सिचुएशन से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज हसन और हुसैन नवाज की पेशी थी और इसाक डार की भी आज एहतसाब अदालत में पेशी थी, लेकिन ना हसन नवाज पेश हुए, ना हुसैन नवाज और ना ही इसाक डार पेश हुए। तो इस तरह जो अदालत में समाअत हुई, मोहम्मद बशीर जो जज हैं उनकी तरफ से जब समाअत शुरू हुई तो जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं उनकी तरफ से बताया गया है, जो तफ्तीशी अफसर हैं हसन और हुसैन नवाज के हवाले से जो नैब की तफ्तीश कर रहे हैं, आज वो लाहौर से उन्होंने आना है, धुंध है और इस वजह से वो आने में उनकी हुई और समाअत कुछ देर के लिए आप मुलतवी की गई है। दूसरी तरफ इसाक डार के जो वकील हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि उन्होंने हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है तो कुछ वक्त दिया जाए। अब समाअत में वक्फा है और अब तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्फा किया गया और उसके बाद दोबारा समाअत होगी और उसके बाद जो नैब प्रोसिक्यूटर और जो नैब के तफ्तीशी अफसर हैं उनकी तरफ से जो आज इसाक डार के हवाले से और हसन और हद के हवाले से जो चीज़ें हैं वो पेश की जाएंगी और उनकी जायदाद की तफसीलात भी आज पेश की जाएंगी। साथ साथ आपको बताएं शहर इक्तदार में और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, सियासी मैदान भी गर्म है और ख़ास तौर पर ट्रैफिक सुबह से ही खासा जाम है। जिन सड़कों से गुजरे वो ज़्यादातर ब्लॉक के
खासी दुश्वारी है। G11 की अगर इन एरियाज की बात करें तो यहाँ पर भी मुकम्मल तौर पे आने में आवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। तो इसके साथ साथ आज यहाँ मौसम भी अबर आलूद है, सुबह से जो शहर इकतदार जो है इसको बाद लपेट में ले रखा है और यहाँ पर आज सूरज सुबह नहीं निकला और इस इंतजार में है कि आज से बारिशों की पेशन गोई की गई थी और आज शहर इकतदार के बाद भी इंतजार का सिलसिला है और अबर आलूद है, जब सियासी एक्टिविटीज भी बहुत है, जबकि शहर इकतदार के बासी जो है थोड़े से परेशान भी हैं क्योंकि आज रूट्स के हवाले से उनको प्रॉब्लम होने वाली है। यासिर नजर अपडेट करते थे, आपका बहुत शुक्रिया। और लाहौर की जाने पड़ेंगे और लाहौर में क्या हो रहा है ये जानेंगे हमारी नुमाइंदा भट से, और हुमा भट हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा भट, गुड मॉर्निंग, आज सर्दी तो नहीं लग रही? गुड मॉर्निंग, आज जो सर्दी बहुत लग रही है, सियासत की जो गर्मा गर्मी है वो मौसम पर असरअंदाज नहीं हो रही है। मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, लेकिन सुबह के वक्त हम लोगों ने देखा वो बारिश जिसका इंतजार किया जा रहा था बहुत दिनों से कि बारिश हो और मौसम अच्छा हो जाए और ये जो धुंध और फोग जो स्मोग है वो उसके बादल थोड़े से झट जाएँ, वो आज सुबह बारिश हुई है, मौसम अच्छा हुआ है, लेकिन उसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लाहौर में भी ये बूंदाबांदी जो है वो हमें दिखाई दी है, लेकिन इंतजार जो लाहौरी हैं वो तो इंतजार करते हैं जरा सही तरीके से खुलकर बारिश हो, तो वो खुलकर बारिश का इंतजार किया जा रहा है अभी। बारिश अच्छा। महकमे मौसमियात के मुताबिक तो ये कहा गया है कि बारिश जरूर होगी, लेकिन इसके अलावा अगर एक्टिविटीज का मैं जिक्र करती जाऊँ तो एक्टिविटीज में वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है महकमे सेहत की जानिब से। तो लाहौर के जितने भी इस वक्त हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर सेमिनार्स भी मुनक्किद किए जा रहे हैं, रैलीज भी निकाली जा रही हैं और उसमें जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको फ्री कैंप लगा दिया गया है, वहाँ पर आकर अपनी जो शुगर लेवल है वो चेक करा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी बता दूँ कि सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं बल्कि वहाँ पर बड़ी कोशिशें की जा रही हैं और उसके लिए भी बैनर्स लगाए जा रहे हैं जी सर, बहुत सी एक्टिविटीज हैं लाहौर में भी। और लाहौर से हमें हमारी नुमाइंदा हुमा भट अपडेट थी जो कि इस वक्त सर्दी में ठिठर रही है। आई नो कि जब आप सर्दी में बाहर खड़े होते हैं बीपर दे रहे होते हैं तो कैसी फीलिंग होती है, तो जल्दी से हुमा भट वापस जाए, आप अपने ऑफिस और पर रहकर जो है आप न्यूज गैदर कीजिए हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कराची का, जहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा कफील अहमद, उनसे जानते हैं जहाँ कराची में हमने देखा कि गुज़िश्ता रात एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था शाह फैसल कॉलोनी में, ट्रैफिक हादसे के दौरान 3 मासूमें जाने चली गई थी। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं मजीद कफील। अनम, मैं आपको बताऊं कि 2 रोज़ कबल ये हौलनाक और खौफनाक वाकया जो है शाह फैसल नंबर 5 में जो है वो पेश आया था, जिसमें सुभान अहमद जो कि PIE में मुलाजिम है, उनके 3 बच्चे जो कि अपने भाई के साथ, 2 जो उनकी बेटियां थी खैरुन्निसा और ज़ैबुन्निसा, वो जा रही थी तो टर्न काटते हुए शाह फैसल नंबर 3 पर यह वाकया पेश आया और वहाँ पर जो है वो हैवी ट्रॉलर जो है ऊपर गिर गया और जिसके बाद जो कुछ हुआ वहाँ के लोगों ने देखा और बहुत खौफनाक और हौलनाक ये वाकया था। यहाँ के जो लोग हैं उनके जो फैमिली और जो तमाम उनके पड़ोसी हैं जो रहने वाले मकीन का मकीन वो खासे मुश्तइल हैं, उनका कहना ये कि वो जो 3 बच्चे थे वो तो इस दुनिया से जा चुके हैं लेकिन इन हैवी ट्रॉलर्स को रोकने वाला कोई नहीं है, दिन के औकात हों या शाम के औकात हों ये जो है वो लहराते हुए जा रहे होते हैं, किसी ट्रैफिक को जो है कोई इसको कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। वहाँ के जो इलाका मकीन है, जब हम कल गए तो वहाँ के लोगों का यही मुतालबा था कि इस हैवी ट्रैफिक को जो है वो दिन के औकात में कम अज़ कम ना चलने दिया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कफील अहमद, इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया जिसमें 3 मासूम जाने चले और ये वाटर टैंकर था जो कि उलट गया और उसके साथ जो है ये इंतहाई अफसोसनाक हादसा था। और यही मैं भी कहती हूँ कि जब आप दिन के टाइम पे होते हैं एटलीस्ट आप रात 12 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक के लिए रोकथाम करें। दोनों बहनें थीं, भाई था अनम और वो जा रहे थे अपने भाई का रिजल्ट लेने के लिए जा रहे थे। कफील अहमद आपका बहुत शुक्रिया। चलें जनाब, यहाँ पर अब हम मजीद जो है वो खबरें जरूर शामिल करेंगे शो में और आगे चल के हमारे साथ सिराजुल हक साहब भी लाइन पर मौजूद होंगे जिनसे ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके ऊपर हम तफसीली तौर पर बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, स्टे विद अस की पॉजिंग गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग, आज अब कुछ बात करते हैं मुल्की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से और आपको बताएं कि अखबार गुज़िश्ता रोज वजीर आजम के ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफ़द्दत कौंसिल का इजलास हुआ जिसमें आम इंतखाबात कराने के लिए आइनी तरमीम की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला सिंध ने आइनी तरमीम की मशरूत हिमायत की है और कहा है कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत इलेक्शन मुलतवी नहीं होने देगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर रखा है और इस इजलास में इंतखाबी हलका बंदियों के हवाले से आइनी तरमीम पर गौर होगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक। सर वेलकम टू गुड मॉर्निंग, आज कैसे हैं आप सर?
वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह रब्बे जुल जलाल का एहसान है। ठीक सर। अच्छा सर, ओवरऑल हम करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि पीपल्स पार्टी कहती है कि हुकूमत अमला सीसीआई में ले जाने का हमारा मुतालबा तस्लीम कर लिया है, हुकूमत को देर से ही सही लेकिन बात समझ में आ गई है, आपका इस पर क्या कहना है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा तो पहले से ही यही ख्याल था कि बरवक़्त इंतखाबात हो, पीपल पार्टी ने शायद अभी किया है। ठीक। और खुद जब ये तरमीम कौमी असम्बली में हुकूमत ने लाई तो उनके अपने वो जो अरकान थे वो संजीदा नहीं थे, वो ही नहीं आए, तो जिन्होंने अपने अरकान को हाजिर होना था वो ही नहीं आए जी, तो बाकी इसमें क्या करते। इसलिए हुकूमत अगर संजीदगी का मुजाहरा उस वक्त भी करते तो ये हो जाता। ठीक, सही। अच्छा सिराजुल हक साहब, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो 2018 में ही होंगे, यानी कि मुकर्रर वक्त पर ही होने चाहिए, या वक्त से पहले ये इलेक्शन हो सकते हैं? कोई ऐसे चांस, क्योंकि दीगर पार्टी की जानिब से मुतालबा बहुत जोर शोर से किया गया। देखिए, आईन तो है इसलिए कि इस पर अमल किया जाए, लेकिन यहाँ आईन अलमारी में एक किताब के तौर पर मौजूद है, उस पर अमल नहीं होता है, और इलेक्शन प्रोसेस उसमें है। ठीक। अब अगर वक्त से पहले इलेक्शन हो जाए ठीक और मौजूदा हुकूमत को यानी रुस्खत किया जाए, क्या होगा? ये लोग जाएंगे अवाम में कि हम तो आसमान के तारे लाने वाले थे जी और जनाब दूध के नहरे चलाने वाले थे, लेकिन वक्त से अभी हुकूमत ख़त्म हुई। मैं चाहता हूँ कि सबको अपना आखिरी दिन भी मिले, ताकि किसी के साथ ये बहाना ना रहे कि अगर हमें टेन्योर पूरा करने के लिए वक्त और मुद्दत मिलती तो हम ये करते और वो करते। मामलात को अपने वक्त पे करने की जरूरत है। ठीक, आपका स्टांस ये है कि सबको जो है वो टाइम मिलना चाहिए ताकि कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं रहे। सर, अगर थोड़ी सी बात करते हैं हम फाटा के हवाले से, तो दो दिन पहले भी जो है फाटा में जिरगे में ये बात हुई कि फाटा के अवाम ये चाहते हैं कि उनको भी उनके हुकूक दिए जाएं, तो खैबर पख्तूनख्वा में जम करने की बातें भी होती हैं। जमात इस्लामी इस मसले पर किस तरह से खड़ी है? फाटा को अलग सूबा बनाने वालों के साथ हैं आप, या खैबर पख्तूनख्वा में जम करने वालों के साथ हैं? हम एक तवील अरसे से कबाइली इलाकों में मौजूद है और FCR के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, और हमारा दरीना मुतालबा यही है कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ जाए। ठीक। तो जो आपने पूछा ना कि आप उनके साथ है या आप उनके साथ है, तो एक मनफी सवाल है। असल में यह है कि कौन हमारे साथ है? हम तो ये चाहते अच्छा, हैं कि अच्छा। पहले दिन से इसको जम क्या होता जी, इनका जोग्राफिया ऐसा है जी। इनका जोग्राफिया ऐसा है कि ये कोई एक यूनिट नहीं बन सकता है। आखिर खैबर पख्तूनख्वा में या उनके साथ कोई चीज ऐसी नहीं है जो इनके जबान, इनका कल्चर, इनके हॉस्पिटल, इनके यूनिवर्सिटियाँ, इनके एक खैबर पख्तूनख्वा का जो मरकजी सेक्रेटरीट है वो भी पेशावर में है, सड़क के एक तरफ है, और इस वक्त फाटा का जो सेक्रेटरीट है वो सड़क के दूसरे तरफ है। तो एक शहर में या एक ही जगह पे दो सेक्रेटरीट कैसे हो सकते है? तो क्यों ना हम पर ज्यादा बोझ डालने के बजाय इसको एक किया जाए और एक मजबूत सुबह बन जाए। सिराजुल हक साहब, बिल्कुल यही मुतालबे जो हैं वो दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी किए जा रहे हैं। अच्छा, आपसे कुछ कराची की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी बातचीत करना चाहेंगे। आप देख ही रहे होंगे कि कराची में इस वक्त ओवरऑल स्टैब्लिशमेंट की बातें हो रही है, जमात इस्लामी के सब पर क्या मौकफ है, PSP और MQM के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, कराची में कोई नई बात नहीं है, यह ड्रामे तो गुज़श्ता 24-25 साल से जारी है। यही होता है कि सुबह कुछ होता है, शाम कुछ होता है। इसमें असल मसला गरीब आवाम का है कि कभी भी उसका जो मसला हल नहीं, पानी उनको मिल रहा है, न ट्रैफिक का मसला हल हो रहा है, न कोई नई यूनिवर्सिटी अब तक बन गई, न कोई बेरोज़गारी का मसला हल हुआ, न उनके लोड शेडिंग का मसला हल हुआ, यहाँ तक कि एक साल से जी गली और कूचों में जो कचरा मौजूद है उसको उठाने का भी कोई सबील लोगों को नज़र नहीं आता, और ये बाला यही करते हैं, कभी मिलते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी मिलते रहते हैं। लड़ते किस लिए हैं और मिलते किस लिए? उसमें भी ज़ाती मुफादात है, अपने जत्तों के मुफादात है जी। जिन लोगों ने क्राइम्स किए हैं उनको रिहा करने का मसला है, माफ़ करवाने का मसला है। अवाम का तो कोई इशू इसमें नहीं है, हमारा तो डेवन से यही मुतालबा है जी। कराची पाकिस्तान का एक मौशी शहर है,
और इसको इन इदारों से और इन साजिशों से आज़ाद कराया जाए ताकि लोग तरक्की करने और सुकून और सुरूर के साथ ज़िंदगी बसर करने के काबिल हो जाए। इन ड्रामों ने आवाम को परेशान किया है। ठीक, अच्छा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन ड्रामों ने आवाम को परेशान किया है, कराची की बात होनी चाहिए जबकि दोनों जमातों के दरमियान हम देखते हैं तनाज़ात हैं, लेकिन आप क्या देख रहे हैं इन पार्टीज़ का फ्यूचर, आप क्या देख रहे हैं कराची में, किस तरीके से ओवरऑल ये जो तीन दिन में सियासत तब्दील हुई है कराची की, इस पर आप क्या कहेंगे? कराची का मुस्तकबिल रोशन है, कराची के गलियों और कूचों में अब भी जमात इस्लामी मौजूद है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि वहाँ अगर डंडे की सियासत और कुव्वत की सियासत और ये ज़ाहिरी और बातिनी जो हरकत और सकनात और नदीदा कुव्वतों की तरफ से जो एडवाइस है मुसलसल इन लोगों को, अगर ये एक तरफ रखा जाए और फिर प्ले किया जाए, उधर जमात इस्लामी एक बड़ी ताकत के तौर पर मौजूद है जो आवाम की खिदमत भी कर रही है, दयानतदार क़ियादत भी है, बासलाहियत क़ियादत भी है और इसका बच्चा बच्चा इसका गवाही भी दे रहा है। इसलिए कराची का मुस्तकबिल रोशन और पुरअमन मुस्तकबिल अबिस्ता है जमात इस्लामी के साथ। बिल्कुल ठीक। अच्छा सिराजुल हक साहब, ओवरऑल हम देख रहे हैं जैसे इलेक्शंस आएंगे तो ये इत्तेहाद और इंजमाम की बातें जो है वो मजीद जोर पकड़ लेंगी और बहुत सी ऐसी छोटी मोटी जमातें आपको नजर आ रहे हैं, कोई ऐसी सूरत हाल की मजीद कोई और इत्तेहाद सामने आएंगे या जमात इस्लामी इटसेल्फ ही अगर PSP या मुत्तहिदा से कोई इंजमाम कर ले, जैसे कि अभी आपने कहा कि बड़ी पावरफुल जमात बनती जा रही है जमात इस्लामी? कल के बारे में तो अल्लाह ही जानता है कि क्या होगा। अच्छा। लेकिन इंसान सोच रखता है, हमारा सोच यही है कि पाकिस्तान में क्लीन लोग हैं जिनके दामन पर न कोई कत्ल का दब्बा है और न करप्शन का दब्बा है और न कोई धोखाबाजी का और कर्जखोरी का कोई दब्बा है, के नाम पानामा लीक्स में नहीं है, जिन्होंने नहीं काए हैं और हड़प किए हैं, उन सब लोगों को इकट्ठा करे और उनको एक मौका दिया जाए कि वो भी सामनियों में पहुँचे, और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने क्लीन लोग हैं उसको इकट्ठा करें। अच्छा सर, बिल्कुल आप इत्तेहाद के हवाले से बात कर रहे हैं और आप कहते हैं कि कल का भी कुछ नहीं पता कि क्या हो जाए, तो 2018 में जो इंतखाबात आने वाले हैं उसमें आप अपना सेटअप किस तरीके से देख रहे हैं, कराची की सियासत की बात की जाए या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जहाँ आपके काउंसिल्स हैं, जहाँ जहाँ आपके विंग्स हैं, वहाँ पर आप इत्तेहाद की सियासत करेंगे इस दफ़ा? मेरा ख्याल है और मेरा यकीन इंशाल्लाह कराची में भी तब्दीली आएगी। अच्छा। और जिन लोगों ने गुज़श्त तवील अरसे से हर इदारे पर और हर चीज़ पर किया है और जिसका नतीजा यही है कि आवाम रो रहे हैं, वो खुश हैं और वो स्टेज पर बैठे हैं, कभी मिलते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, लेकिन आवाम का हाल तो बहुत ख़राब है। इंशाल्लाह कराची समेत पूरे मुल्क में हम तब्दीली की उम्मीद रखते हैं। सही। और जमात इस्लामी एक बार फिर कहूँ कि हम चाहते हैं कि उन तमाम लोगों को इकट्ठा करें जो क्लीन लोग हैं और जिनके दामन साफ है और जो डिलीवर कर सकते हैं और जो डिलीवर करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल इसी के ऊपर आपसे पूछना चाह रही थी सिराजुल हक साहब कि अभी आपने कहा है कि कोई ऐसी पार्टी हो जिसका दामन पाक हो, जिसपे कोई केसेस ना हो, जिनके नाम पैनामा में ना हो और जिनके ऊपर कोई केसेस ना चल रहे हो, तो ऐसी कोई ऐसी पार्टी नजर आती है आपको हमारे इस वक्त जो तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अंदर जिनमें जिनको किसी ना किसी ऐसी चीज का सामना ना हो, जो किसी ऐसे किसी केस में घिरे हुए ना हो? यस, ऐसी जमात जो अपने मंशूर के लिहाज से, दस्तूर के लिहाज से, माजी के लिहाज से, नज़रियात के लिहाज से इस्लाम और नज़रिया पाकिस्तान पर यकीन रखती हो और चल रही हो, और ऐसी जमात जिसके अंदर हकीकी जमहूरियत हो, वहाँ वरासत ना हो, वहाँ फ्यूडलिज्म, वहाँ बादशाहत ना हो, ऐसी जमात, और ऐसी जमात जो तरक्की पर यकीन रखती हो, प्रोग्रेसिव हो, दयानतदार और करप्शन से पाक हो, ये इस्लामी डेमोक्रेटिक और तरक्की पसंद जमात हो, वो जमात इस्लामी है। ठीक। अच्छा आप अपनी जमात के हवाले से बात करें। अच्छा सर, अभी जो फदात काउंसिल का जो सारा सेटअप हुआ है उसमें एहसन इकबाल को जो है वो रुकन मुकर्रर किया है इसाक डार के बजाय, इस पर क्या कहेंगे आप? ज़ाहिर है इसाक डार साहब के जो मसाइल है वो आपके इलम में है, होता है जी, और वजारत खजाना चलाना अब उनके बस की बात नहीं है, ये तो डे वन से होना चाहिए था कि वो फारिग हो जाते। अच्छा। ताकि वो अपने केसेस के हवाले से यकसू हो जाते, लेकिन ये तो अखलाकी लिहाज से भी अच्छा नहीं है कि एक इंसान पर करप्शन का और गबन का और लुटमार के केसेस हो रहे हैं
और उसके साथ वजीर खजाना है, तो बाहर जाकर वो कैसा चेहरा दिखाएंगे लोगों को और अंदर वो कैसे डील करेंगे। यही वजह है कि गुज़श्ता एक तवील अरसा वो इन दफातर के चक्करों में मसरूफ़ है और वजारत ख़जाना अपनी जगह पर मौजूद है। तो हम तो ये समझते हैं कि उनको अब फारग होना ही चाहिए था, अखलाक का तकाजा तो यही है। ठीक, अच्छा सिराजुल हक साहब, जमहूरी अमल के लिए आप क्या समझते हैं कि इलेक्शंस का वक्त पर होना कितना ज़रूरी है? जैसे कि अभी पीटीआई भी मुतालबा करी है कि वक्त से पहले इलेक्शंस करा लिए जाएं, प्री इलेक्शंस हो जाएं, आप इस मुतालबे में उनके साथ खड़े हो सकते? हमारा यही मौकफ है कि पहले तो इलेक्शन कमीशन इन जमातों के अंदर अपनी निगरानी में इलेक्शन करा दे के पता चले कौन सी जमात जमहूरी है और कौन सी जमहूरी नहीं है। अगर एक जमात के अंदर ही जमहूरियत नहीं है, वहाँ कभी इलेक्शन नहीं होते हैं और वहाँ के कारकुन को वोट देने का हक अपने पार्टी के अंदर नहीं है, वो लोग कैसे जमहूरियत की बात करते हैं? तो डे वन से यही मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन की निगरानी में बाकायदा हर जमात अपने अरकान का लिस्ट मुहैया कर ले और फिर वहाँ हर मनसब के लिए लोगों से पूछे कि कौन उम्मीदवार है और फिर उनके अरकान मेंबरान वोट दे रहे ताकि पता चले कि वाकई ये जमात अंदर भी जमहूरी जमात है। बाकी रही इलेक्शन की बात, तो इलेक्शन में तो मैं नहीं समझता हूँ कि वक्त से पहले या वक्त के बाद उसका फ़ायदा होगा। इलेक्शन बर वक्त हो, देखिए रमज़ान का महीना अगर आप रोज़ों से पहले ही शुरू कर ले कि बस मैंने वैसे भी एक काम करना है तो एक महीने पहले ही रोज़े रखना शुरू कर लो। नवाफिल तो पढ़ सकते हैं लेकिन फ़र्ज तो अपनी जगह पर आपने अदा करना है। आईन के लिहाज से ये भी एक फ़र्ज काम है, इसका भी एक टाइम मुकर्रर है। सही, ठीक। अच्छा सर, बिल्कुल आप यही कहते हैं कि अपने टाइम से ही हो तो अच्छा है ताकि दीगर जमातों को जो है खासतौर से नून लीग को शिकायत नहीं हो कि जी पूरा टाइम नहीं मिला, हम तो ये डिलीवर कर जाते। अगर ओवरऑल बात की जाए पीटीआई की, जो आजकल बड़े जलसे कर रही है, बड़ी एक्टिव है और बिल्कुल काफी टफ टाइम दिया हुआ है और वो ये दावा करते हैं कि इस दफा 18 में पीटीआई जो है वो मैदान मार लेगी, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो उस वक्त देखा जाएगा जब हशर का दिन आएगा। अच्छा, और जलसे तो वो भी करते हैं, जलसे हम भी करते हैं जी, और हर जमात चाहे तो वो जलसा कर सकती है और जलसा करना सबका हक है और ये हर एक को यही बात कहने की इजाज़त है, कहना चाहिए कि 2018 हमारा है, 2018 हमारा है। जाहिर है ये दुनिया जो है ये तो उम्मीद पर जिंदा है ना जी। ठीक, तो ये सिराजुल हक साहब, आए रोज़ हम देखते हैं कि धरने किए जाते हैं, जुलूस किए जाते हैं, जलसे किए जाते हैं, वैसे भी हम इंतखाबात आ रहे हैं तो इससे पहले ये एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा जोर पकड़ लेंगे, आवामी राबता मुहिम भी शुरू कर दी जाएगी और जमातों की जानिब से कहा जा रहा है कि जी अब हम सड़कों पर निकलेंगे और आवामी जो अदालत है उससे फैसला लेंगे, तो क्या समझते हैं आप ये तमाम सूरत हाल जो ओवरऑल नज़र आती है, इस सबके बाद आवाम काफ़ी हद तक पिस रही होती है, रोड्स ब्लॉक कर दी जाती हैं, उन्हें तंग कर दिया जाता है, धरने दिए जाते हैं जगह जगह, इस सब पर आप क्या समझते हैं कोई प्रॉपर एक प्लानिंग नहीं होनी चाहिए? देखिए इश्यूज़ अगर आप बरवक्त हल नहीं करते हैं और अदालतों में फैसले नहीं होते हैं, युवानों में फैसले नहीं होते हैं, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी बरवक्त पूरी नहीं करती है, फिर उसका नतीजा यही निकलता है कि तंग आमद बर जंग आमद लोग फिर सड़कों पर निकल आते हैं, चौकों और चौराहों में बैठते हैं, फिर आवाम को तकलीफ होती है। लेकिन अगर हुकूमत लोगों को सुने और उनके मुतालबा ले तो ये मामला हल हो सकता है। अब आप देखें ना, ये जो नामूस रिसम मसला है, कितना अरसा हुआ हुकूमत ने बार बार वादी किए लेकिन अब तक उसके जो कानूनी तकाजे थे वो पूरे नहीं किए। फिर हुकूमत ने खुद एक कमेटी बनाई कि हम तहकीक करेंगे कि नामूस रिसालत के हवाले से हलफनामे में ये तब्दीली किसने लाई थी और किन की साजिश है। अब तक हुकूमत उन अपराध का नाम भी नहीं बता सके, उनको नहीं दे सके। तो आप मुझे बताएँ कि ये पार्टियाँ ये चौक और चौराहे बंद कर रहे हैं या ये हुकूमत कर रही? मेरे नज़र में तो हुकूमत ही ऐसा माहौल बनाती हैं कि लोग आकर चौकों पर बैठ जाएं। अभी इस्लामाबाद आपका आना जाना हो जाए बिल्कुल जी, तो बिल्कुल हुकूमत ने खुद को कंटेनर्स में बंद किया है, ना कोई अंदर जा सकता है ना बाहर जा सकता है और कंटेनर ही कंटेनर है। बिल्कुल, का कोई राब्ता नहीं हुआ किसी किस्म के मजहबी रहनुमाओं से, तमाम धरने के हवाले से 8 दिन से जो है वो सड़कें बंद की हुई हैं, आवाम जो है मफलूज होकर रह गई है। देखिए ये जो काम हुकूमत के का है वो हुकूमत खुद करे, अगर आप भी ट्रैफिक संभाले और हुकूमत भी हो
तो ये आप संभालेंगे या हुकूमत संभालेगी? इसलिए ट्रैफिक संभालना, रास्तों को खोलना, ये तो हुकूमत का काम है ना जी। अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती है तो एक आम आदमी किस तरह ट्रैफिक संभाल सकता है? ठीक, बहुत शुक्रिया सराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी मौजूद थे और करंट पॉलिटिकल सिचुएशन बात कर रहे थे, और उनका यही स्टांस है कि हर आदमी को अपने डोमेन में रहकर काम करना चाहिए, और जो लोग प्री इलेक्शंस का मुतालबा वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आप। और अब कुछ बात करते हैं सिंध असेंबली के जो ओवरऑल हंगामे है उस हवाले से। सिंध असेंबली में चीखना चिल्लाना रोज का मामूल बन गया है। असेंबली में कभी अम्मी, कभी बेटा, कभी उस्तानी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल तो बहुत ही आम हो चुका है, लेकिन अवामी मसाइल पर बात नहीं हो रही है। डिप्टी स्पीकर शहला रजा के रुपए के जो खिलाफ अपोजिशन अरकीन ने शहला रजा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर भी गौर शुरू कर दिया है, तो ओवरऑल ये सिचुएशन क्या बन चुकी है, इस सब पर आगे चलकर उनसे बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पता ही नहीं चलता किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री है। ग्लासेस की जरूरत हो तो मैं कोई आराम इंतजाम करा दूं। हस्बे रिवायत सवा घंटा ताखीर से सिंध असेंबली का शुरू हुआ। स्पीकर साहबा, तो ये इजलास चल नहीं सकेगा। मैं अभी चला के दिखाती हूँ आपको। कॉल अटेंशन, एज शी इज थ्रेटनिंग, नाउ आई मूव द नेक्स्ट कॉल अटेंशन। डिप्टी स्पीकर और नुसरत सहर अब्बासी में इजलास के दौरान तकरार हुई। बहुत बड़ा ये नुकसान हो रहा है कि 2013 के सवालात के जवाब अब मिनिस्टर मुझे 2017 में देंगे। अफसोस की बात है, इस चीज पर मैं वॉकआउट करती हूं। पीपल्स पार्टी के रुकन अब्दुल सत्तार राजपुर ने तलबा यूनियंस की बहाली के लिए करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। तहम अरकीन ने तलबा यूनियन के लिए जाब्ता इखलाक मुरतब करने का मुतालबा भी किया। स्टूडेंट्स यूनियन आर द फोरम of their students can rise voice of their academic rights in the effective manners. ये आपके मुल्क के आने वाले सियासतदानों को परवान चढ़ाती हैं, उनकी तरबियत करती हैं, उन्हें नजरिए की सियासत का कुछ इल्म सिखाती हैं। अब ये करारदाद आई है, हम इसकी हिमायत करते हैं। तरीका कार तय करें, तलबा यूनियन को कायदे में जाब्ते में लाकर बहाल करें, डीपोलिटिसाइज करें, इसको डी एथनिसिटी करें, डी एवरीथिंग कर दें, इश्यूज पे इनको आई थिंक मेक देम फोकस ऑन द इश्यूज ओनली। ओपोजिशन ने शहला रजा के रवैये से तंग आकर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर शुरू कर दिया है। अरकीन कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर के आमराना रवैये को रिकॉर्ड पर लाएंगे। हमारी सिंध असेंबली कभी कभी स्कूल का मंजर पेश करती है, जिसमें डिप्टी स्पीकर सपती हैं और कहती हैं कि जी अब आपका माइक बंद कर दिया जाएगा, और कुछ लोग ऐवान से वॉकआउट भी कर जाते हैं। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुसरत सहर अब्बासी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगी। नुसरत सहर साहबा, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये बताइएगा कि आजकल ये सिंध असेंबली का कैसा माहौल चल रहा है? कोई बेटा कहकर पुकारता है तो कोई अम्मी जान कहता है, तो सिंध असेंबली का जो माहौल है गोया घर का सा माहौल दिखाई देता है, या कभी कभी स्कूल का गुमान भी होता है? थैंक यू जी। देखिए, घर जैसा माहौल वो भी नहीं अगर कहा जाए, लेकिन असेंबली जो है वो असेंबली है, उसका अपना एक डेकोरम है। वो एक 168, 161, 169 मेंबर्स की का एक हाउस होता है, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से लोग लाखों वोट लेकर आते हैं। और किस लिए आते हैं? मकसद तो ये है ना, किस लिए आते हैं, क्यों बैठे हैं वहां, क्यों तनख्वाह ले रहे हैं, क्यों मरात ले रहे हैं? इसलिए कि जिन लोगों ने आपको वोट देकर भेजा है हल पे बात करें, उसके जब तक हल नहीं निकलेगा ये कोई फायदा नहीं। और आप एक दिन में असेंबली का जो इजलास कॉल होता है उस दिन आप ये देखें कि कितने ज्यादा पैसे लग रहे हैं। टीएडीए होता है मेंबरान का, इसके अलावा जो हमारा खर्चा होता है, बिजली हो गई, पानी हो गया, और दूसरे मसले स्टेशनरी का खर्चा है, सबको मिलाकर ये अच्छा खासा अमाउंट बनता है जो रोजाना की बुनियाद पर खर्च हो रहा है। तो क्या हो रहा है, तो असेंबली में हो क्या रहा है? बात करने नहीं दी जा रही, माइक बंद कर दिए जाते हैं, जुमलेबाजी हो रही है। डिप्टी स्पीकर साहिबा ऐसे चला रही है इजलास जैसे उनका अपनी कोई सल्तनत है, जो चाहेंगी करेंगी। अजीब अजीब रिमार्क्स, दवाई पीकर नहीं आई, दवाई हिलाई नहीं थी आज, बेटा और फिर सार्जेंट को बुला लूंगी, सार्जेंट आपको पकड़ के बाहर निकाल देगा। यार हद होती है, मतलब एक मेंबर जो बिजनेस लेकर आ रहा है, काम करता है। मैं मुसलसल पिछले 5 सालों में मैंने मेहनत की, नंबर टॉप पे आई, अभी भी मेहनत कर रही हूँ, नंबर टॉप पे चल रहा है, और आप उस मेंबर के साथ आपका इस तरह का रवैया हो कि आप माइक बंद करवा दें और बार बार एक्सपंज कर दें,
उधर आपके मेंबर घंटों घंटों एक फजूल बात कर रहे होते हैं, उनको आप बात करने दे रही हैं, अपने नंबर बढ़ा रही हैं, जो भी कर रही हैं। तो ये इस तरह का साहब ने ये भी कहा है कि डिप्टी स्पीकर शैला रजा को आपके साथ कुछ शायद खास किस्म के इख्तलाफात है, तो ऐसे क्या इख्तलाफात है शैला रजा को कि आपका माइक भी बंद कर दिया जाता है, फिर आगे से इस तरह की बयानबाजी भी होती है? देखिए जी, बात यह है कि अपोजिशन तो है अपनी जगह जो भी है, लेकिन चूंकि मैं ज्यादा इश्यूज लेकर आती हूँ, ज्यादा बात हूँ आवाम के, सबसे ज्यादा इश्यूज मैं रेज कर रही होती हूँ, हद से ज्यादा डाक मेरी असेंबली में पहुंची हुई होती है, मैं बात करना चाहती हूँ लेकिन वो नहीं समझती, मैं क्रिटिसाइज तो करूंगी क्योंकि मैं ऑपोजिशन मेंबर हूं, मेरा राइट है कि मैं क्रिटिसाइज करूं ठीक कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप सही जवाब नहीं दे रहे, आप आवाम का जो वो इस्तेहकाक है वो मजरूह हो रहा है यहां पर, तो मैं तो बोलूंगी इस चीज पर। अच्छा बोले, कैसे झूठ बोल सकती हूं मैं, दूसरे मेंबर्स भी कैसे झूठ बोल सकते हैं, ऑपोजिशन का काम यही है कि आपको आईना दिखाएं, लेकिन आप आईना तो देखना दूर की बात है, आप हमारे गले घोंटने तक पहुंच गई हैं, आप नहीं चाहती, और आपने अब तक ये कह दिया है कि मैं ऐसा काम करूंगी कि सर्जन बुलाऊंगी और आप लोगों को यहां से असेंबली से बाहर निकलवा दूंगी, अब इस हद तक तो बर्दाश्त से बाहर है। हाँ, कोई गलत काम कर दिया मैंने, इस्तेहकाक मजरूह कर दिया मैंने, कुछ ऐसा काम किया, मैं तो अवामी इश्यूज पे बात कर रही हूँ, तहरीक लाई जाएगी मेजोरिटी पे किल कर दें, लेकिन तारीख में तो ये चीज आएगी कि अदम एतमाद आई और उनका नो कॉन्फिडेंस था, वो पेश जरूर होगा। सही। अच्छा नुसरत, आप लोग आवाम के मुंतखब नुमाइंदे और आवाम को आप लोगों से बहुत सी उम्मीदें भी हैं, अब ऐसी जब भी सूरत हाल होती है आप लोगों को खुद कैसा लगता है ये सब कुछ करते हुए, या बाकी कहीं ये बात तो नहीं है जैसे कि शैला रजा कहती है कि जी सिर्फ मीडिया कवरेज हासिल करने के लिए तमाम तर टैक्टिक्स हैं, कितनी सदाकत इस बात में? देखिए जी, यकीन माने मैं तो इस वक्त, हमें इतना पता ही नहीं होता, हम बात कर रहे हैं, हम इश्यूज की बात कर रहे हैं, इमोशंस हैं, हमें मीडिया की तरफ ध्यान भी नहीं होता, और तो मीडिया को अगर वहाँ इजाजत दी गई है या जो भी है तो वो आप लोगों ने ही दी है ना, हमने तो कोई आप लोगों को रिक्वेस्ट नहीं की थी कि मीडिया को यहाँ बिठाएं, तो क्यों ना हो मीडिया भी, क्यों, किस चीज की पर्दादारी है, बल्कि हमसे ज्यादा तो असेंबली से ज्यादा तो मीडिया सारे मसाइल दिखा रहा होता है, सुबह से रात तक चीखना चिल्लाना, और यकीन माने जो इश्यूज मीडिया हाईलाइट कर रहा होता है तब जाकर इनको कुछ समझ आती है और उस पर थोड़ा बहुत नोटिस लेते हैं, अदरवाइज ये सोए हुए होते हैं, अगर मीडिया इनको ना जगाए तो ये मीडिया कवरेज सिर्फ असेंबली की हद तक कवरेज है, इसके अलावा नहीं मीडिया हमसे इंटरव्यू लेता है, हमसे पूछ रहा होता है, तो ये सिर्फ एक बैठकर वहां पर रिमार्क्स देती है, वो उनका अपना मसला है, हमें इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि हम मीडिया को कवरेज दे रहे हैं। चलिए, बढ़िया कि आपने मीडिया के हवाले से इतनी अच्छी बात की, एटलीस्ट आपने माना तो कि हमारी क्या काविश है। अच्छा नुसरत साहिबा, ये बताइएगा कि फारूक सत्तार ने अभी एक सुबह का नारा लगाया है कि महाजरों के लिए एक अलग सुबह होना चाहिए, तो आप इस नारे से कितना इत्तेफाक करती? जी मैं सख्त लफ्जों में, अगर मेरे पास अगर उन लफ्जों को पेश करने का या उनको सामने महसूस कराने का कुछ ऐसा होता तो शायद मैं महसूस कराती, लेकिन मेरे लहजे को समझें, मेरे इमोशंस को समझें, ये मेरे इमोशंस नहीं है, ये पूरी सिंध के अवाम के इमोशंस हैं कि क्यों दूसरा सूबा, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सोचें तो सही कि इस इशू पर हम असेंबली में जब ट्रेजरी बेंचेस पे थे, जरदारी साहब के कहने पर जाकर उनके साथ बैठे थे, लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने ये लाए थे बिल असेंबली में, तो वाहिद जमात थी जो बाहर निकल आई थी और तहरीक चलाई थी कि किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते सिंध को दो हिस्सों में, तो ये सोच ये निकाल दें, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मंजूर वसान साहब के हवाले से वैसे कोई ख्वाब तो देख सकते हैं, इजाजत है, कभी इस पर अमल दरामद नहीं होगा वरना बहुत बड़ा खून खराबा होगा, सिंध की अवाम इस चीज पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी ने जब ये बिल लाए थे तो वो अपने हलकों में नहीं जा पा रहे थे, उनके मुंह चेहरों पर कालकें मल दी गई थी, टमाटर और आलूओं से उनका इस्तकबाल किया जा रहा था, इसलिए उनको मजबूरन असेंबली से वो बिल वापस लेना पड़ा था, सोचें। तो इसलिए सिंध की आवाम कभी इस चीज पर आगे नहीं आएगी, आपको कभी भी ये चीज इस पर आप अमल नहीं कर सकते, इसलिए ना करें, सिंध की आवाम को आप तकलीफ ना दें, उर्दू स्पीकिंग जो भी कराची में भी रहते हैं या हैदराबाद या कहीं, वो भी नहीं चाहते, तो आप इस तरह का अल्फाज कहकर। चलिए, बहुत शुक्रिया सहराबासी साहिबा, आप हमारे साथ थी और तमाम तो सूरत हाल के ऊपर जो आपका मौकफ है उस हवाले से आप हमें अपडेट करी थी। वाकई में बड़ी अजीब सी सूरत हाल हो चुकी है सभा, कभी हमारे मुल्क के अंदर लोगों को पंजाबी कहकर अलग कर दिया जाता है, कभी सिंधी कहकर अलग कर दिया जाता है, उर्दू स्पीकिंग अलग है और फिर पंजाबी पख्तूनी, ये सारी मतलब हम लोगों के ही अलग किए गए तमाम तर लसानियत है जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ सूबों में बढ़ चुका है और वहाँ पर जो है उनके मसाइल
को दरपेश जो भी तमाम तर चैलेंजेस है इस हवाले से हम मजीद बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस, की पॉसिंग गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और अब कुछ बात हो जाए शजरकारी मुहिम के हवाले से जो पीटीआई की जानिब से की जा रही है, और इस मुहिम में क्या खास चीजें हैं, ये मुहिम कहां तक पहुंची, सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पीटीआई के रहनुमा अली जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज बहुत खुशी हुई कि आज आप शो पर आए। सर पीटीआई शजरकारी मुहिम तो की जा रही है, लेकिन साथ साथ एक बॉन्ड चैलेंज भी किया जा रहा है। देखिए बॉन्ड चैलेंज एक्चुअली जो है, बॉन्ड चैलेंज है क्या, बॉन्ड चैलेंज ये है कि उन्होंने एक 150 मिलियन हेक्टेयर्स को फॉरेस्ट बनाना है। ठीक, तो ये कंट्रीज ने लिया है, मुल्कों ने लिया है ये चैलेंज अपने अपने मुल्कों। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऑफकोर्स गवर्नमेंट तो खैर नॉन एग्जिस्टेंट है फेडरल लेवल पर, तो हमने एज अ सूबा लिया, केपीके ने एज अ प्रोविंस लिया, और जो वो चैलेंज था सूबे के लिए केपीके के लिए वो था कि 3.5 लाख हेक्टेयर्स को आपने जंगलात में तब्दील करना है। ठीक, तो वी हैव ओवरशॉट, हमने 6 लाख को किया है। जबरदस्त। अच्छा, और वो जिस तरह वो प्लान हुआ, सारे मजाक उड़ाते थे कि जी 1 बिलियन ट्री कैसे लगाएंगे, कैसे लगेंगे जी? 1 बिलियन 16 करोड़ लगे हैं। Very nice. मतलब जिसकी आज हम इस्लामाबाद के अंदर वो एक पूरा फंक्शन भी हो रहा है सारा कुछ। सही। तो और जिस प्लानिंग से वो किया गया था ना, वो क्वाइट ब्रिलियंटली डन। ये वही महकमा जंगलात एनवायरनमेंट, ये पहले भी काम करते रहे, यहाँ पे भी कर रहे हैं, दूसरे सूबों पर भी कर रहे हैं, केपीके में भी था वो पहले से। लेकिन वो ये सारी जो इस तरह की मिनिस्ट्रियां होती है ना, लोगों को खुश करने के लिए दी जाती है कि चलो जी इसको भी देनी है ना, इसको भी दे दो झंडे वाली गाड़ी मिनिस्ट्री। इसके पीछे काम कोई होता नहीं है वैसे, इफ यू लुक एट इट अराउंड पाकिस्तान, ना फेडरल लेवल पे ना ये कोई मिनिस्ट्री, एवरी हर आदमी भाग रहा होता है जी कि इंटीरियर मिल जाए या बिल्कुल से कह रहे नहीं रहती साहब, बट ये मिनिस्ट्रियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। दैट्स वेरी गुड। ये एनवायरमेंटली आप पाकिस्तान में आप देखें ना, इस वक्त लाहौर जो है वो स्मॉग के अंदर डूबा हुआ है, बिल्कुल बल्कि दुनिया के जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन में शहरों में नाम आ गया। बिल्कुल, अगर पंजाब में भी मेरे ख्याल है ये तमाम सूरत हाल होगी तो होती तो स्मॉग से की सूरत हाल काफी हद तक कंट्रोल में। लॉन्ग प्रोसेस, बट इससे एनवायरमेंटल चेंज, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का एक इशू चल रहा है, एनवायरमेंटल चेंज खाली ये भी होती, देखें आप दरख्त काटते जाते हैं, आप सैलाब भी नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। आपने there is a plan to do everything. Plan to do. अमेरिका के अंदर सारे घर लकड़ी के बने होते हैं। Exactly. Yes. आप जाए ना वो लकड़ी, इसका मतलब नहीं है कि वहाँ, तो एक प्लान, एक स्ट्रेटेजिक प्लान है। सही. आपके मुल्क में हमारा कोई भी, हम जब छोटे थे ना तो पहली दफा हमने 5 ईयर प्लान सुना था वो जुनेजो साहब की हुकूमत में, शायद आप लोग तो उस वक्त बहुत ही छोटे होंगे, तो जुनेजो साहब अजब की हुकूमत थी, 5 साल का प्लान है, लेकिन अभी देर इज नो स्ट्रेटेजिक प्लान अक्रॉस द बोर्ड ऑन एनी थिंग। ये जो फॉरेस्टिंग के तो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है किसी की, लेकिन होना चाहिए था, बिकॉज आप तबाह कर रहे हैं। सही। अच्छा सर, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पीटीआई इतने इकदाम कर रही है, बिलियंस ऑफ ट्री जो है उसके हवाले से आप इकदाम कर रहे हैं, इससे ये बताएं कि ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज है उससे हमें क्या फायदा होगा, इसका क्या इम्पेक्ट होगा? देखिए पहले आप इसकी जो इमीडिएट इफेक्ट है वो देख लें। ठीक, के एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी। ओके, केपीके के बाद हमने जो 25% जो जमीन है वो नेचुरल, हमने उसको जैसे कहते हैं ना नेचुरल ग्रोथ की, वो ऐसे होता है कि दरख्त का नेचुरल सीड गिरता है, लेकिन जब आप माल मवेशी छोड़ देते हैं वो सारा खा जाते हैं। तो हमने लोकल्स को इन्वॉल्व किया, लोकल्स को कहा कि 25% ऑफ दैट वाज नेचुरली डन, कि यहाँ दरख्त है आप इसकी प्रोटेक्शन करें, आप वहां पे बीज जो गिरे वहां माल मवेशी रोकें तो ऑटोमेटिकली प्लांटेशन में गिरना शुरू होगी। 75% ऑफ इट वाज डन थ्रू सैपलिंग, वो जो छोटे छोटे लगा के वो औरतों को बच्चों को सारों को लगा दिया, और वो हुकूमत खरीदती थी, आप उगाएं इस लेवल पे ले आए, हुकूमत को दें, हुकूमत आपसे खरीदेगी, तो वो एक होम ग्रोन नेचुरल एम्प्लॉयमेंट शुरू होगी, कॉटेज इंडस्ट्री बहुत बड़ी, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी ग्रीन जॉब्स निकल के आई है सब लोगों के लिए, खवातीन तक इस शोबे से मुंसलिक हो रही है, जबरदस्त। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें हुई कि जो लोगों को समझ आई ना, माइंड सेट चेंज हुआ,
कि यार इसका फायदा क्या है, मतलब कंक्रीट जंगल से बन गई ये दुनिया, तो वो ये नहीं, अब न्यूयॉर्क के तो कंक्रीट जंगल, लेकिन एक बीच में उन्होंने वो सेंट्रल पार्क रखा हुआ है, वो हरा है, वहाँ कुछ भी करने वहां नहीं बनाने देते, वो बहुत काफी अच्छी खासी बड़ी जगह है, कम है न्यूयॉर्क के लिए, लेकिन फिर भी वर्ल्ड फेमस है। आपने कहा क्लाइमेट को कैसे, एक नेचुरल प्रोसेस है जो नेचर का अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, अच्छा उसमें भी दरख्तों के ऊपर भी आप यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ और लोगों को पसंद आए ना आए, ये जो इजराइल है ना, बट ये फैक्ट ऑफ एग्जांपल, ये सारा रेगिस्तान था जो कब्जा किया है फलस्तीन में उन्होंने, वो सारा उन्होंने कास्ट, दे मेड इट इनटू अ वो फर्टाइल लैंड, एक दरख्त लगा लगा के वो लगा सफेदे का जिसको कहते हैं लगाते गए, उससे वो जो जो जमीन जरखेज हो गई, जमीन वो जो जिसमें नहीं सेम होती है, जैसे नमकीन पानी होता है, जिसमें पानी वाटर लेवल ऊपर होता है, वो उसको एड्रेस करता गया, यूकेलिप्टस जिसे कहते हैं, और वो आगे जरखेज होती गई। अच्छा हमारे यहाँ क्या किया कराची में, बेड़ा गर्क, जो दरख्त आपने लगाया कॉर्नोकोपिया, जैसे कॉर्नोकोपस भी कहते हैं, ग्रीन बेल्ट्स भी निकाल दी सर, ग्रीन बेल्ट्स लगी थी वो भी निकाल, जो दरख्त वो तो लग, वो तो निकाले हैं, जो दरख्त प्लांट किए ना दमास जैसे कहते हैं, वो दुबई में बैन कर दिया है, सही, इसको कॉर्नोकोपस या कॉर्नोकोपिया कहते हैं, हमने लगा दिया माशाल्लाह, उसमें तो चिड़िया भी नहीं बैठती, वो जी बड़ी जल्दी हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, लेकिन उसकी कोई फायदा नहीं है। सो देयरफॉर हर चीज का एक देयर इज मतलब एक साइंटिफिक तरीके से आपको करना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, अभी हमने जब बाहर ममालिक में भी जाएं तो आप देखें कि अक्सर जो रूट होते हैं वो तब्दील कर दिए जाते हैं, अगर रास्ते में दरख्त आ जाते हैं तो वहाँ पर तो इन चीजों का इतना एहतराम किया जाता है, घरों की बिल्डिंग इस हवाले से की जाती है कि अगर कोई आप घर बनाते हैं घर दरख्त काट नहीं सकते, परमिशन लेनी पड़ती है सर। इसी हवाले से मैं जानना चाह रही हूँ, आप नहीं समझते कि हमारे यहाँ पर भी कोई इस तरह की कानून साजी होनी चाहिए शजरकारी के हवाले से, दरख्तों की कटाई के हवाले से? कानून देखें, कानून तो है, बड़ा जबरदस्त मुझे किस्सा याद है, कानून है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस की बड़ी शदीद जरूरत है। मैं आपको एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये सिटको बिल्डिंग आपने देखी प्रेस क्लब के सामने, वहाँ पे किसी का दफ्तर था, उन्होंने दफ्तर लिया और वहाँ पुराने पुराने 80-80 साल पुराने दरख्त लगे हुए थे सामने, तो पुराना इलाका है, तो उनका साइन बोर्ड के ऊपर दरख्त आ रहा था, ये 10-15 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने दरख्त काट दिया। अच्छा, जब उन्होंने दरख्त काटा तो उस वक्त के जो एसडीएम थे या जो भी उनको, वो बड़े कोई एनवायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने उनको चलान भेज दिया 5-10 हज़ार रुपए का, कि जी आपने बगैर परमिशन के काटा है चलान, जबकि पाबंदी तो साइन बोर्ड्स लगाने पे, उन्होंने दूसरा दरख्त भी काट दिया, उन्होंने डबल चलान भर दिया। और ये प्राइमरी स्कूल से शुरू होती है, और ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल में नहीं होनी चाहिए, सरकारी स्कूलों में भी होनी चाहिए, बिकॉज आपकी मेजोरिटी बच्चों को बच्चे पढ़ रहे हैं, वो तो चलो पढ़ रहे हैं जी, वो किताबें बाहर से आ गई, असल में तो एजुकेशन आपने ये ग्रास रूट लेवल से जो इस वक्त सिंध की 52% पॉपुलेशन अर्बन है, सारे लोग शहरों में रहे, 52% अर्बन पॉपुलेशन, तो क्या ये अवेयरनेस हम अर्बन पॉपुलेशन में कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं हो, तो जो नहीं कर रहे हैं फिर भी कौन है सफर। आप मैं और कराची के हवाले से बात करना चाहता हूँ, जो आप इस वक्त मरीन पोल्यूशन कर रहे हैं कराची में, जो यहाँ गंदा पानी बगैर ट्रीटमेंट के सारे कराची का गटर उठा के आप समंदर में फेंक रहे हैं, आपको फिर आपके फिशरमैन जाते हैं आधा रास्ता समंदर में, वहां से इंडिया उनको पकड़ के ले आता है, उनको यहाँ मछली नहीं मिल रही, मछली नहीं मिल रही सर, आगे जाने के लिए पानी इतना गंदा और गंदा है तो मछली वो कहाँ से, ये कोई एनवायरमेंटल डिजास्टर है। हम लेकिन सर हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के थ्रू जरूर अवेयरनेस क्रिएट की थी, बल्कि हम लोगों ने जाकर भी की और हम लोगों ने कहा था, लोगों को अवेयर किया था कि इस तरह से बच्चों के अंदर ये शऊर होना चाहिए उस बेसिक्स पर ही, कि आपको पता हो कि प्लांटेशन किस तरह से करना चाहिए। आपको अच्छा इसमें अब इश्यूज हमारे यहाँ कराची के और भी आ गए, वाटर का बहुत बड़ा इशू, पानी कम है, आप ग्रीनरी करने के लिए पानी चाहिए, पानी का इशू है, दुनिया भर में ड्रिप इरिगेशन हो रही है, हम जनाब फेंके जा रहे हैं पाइप लेके गाड़ियां धो, देयर इज वेज टू डू इट, ये अवेयरनेस कैंपेन हर एक चीज पे होनी चाहिए, दुनिया भर में हो रही है। पहले कराची के बाकी मसाइल तो हम देख लें, उसके बाद प्लांटेशन की तरफ भी आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप देखें कराची के हालात
आप लोग कहते हैं कि ये कमर्शियल हब है, यहाँ पर लोग आते हैं, कमाते और चले जाते हैं, किसी को सरोकार नहीं है कि यहाँ पर दरख्त किसने लगाने हैं, उनको बचाना किस तरह से, किसी को इस चीज से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी थी, है थी सर, है, है, अच्छा थोड़े दिन बाद थी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बट कौन सी वाली सर, दो हो गई है। वो क्या करते थे कि जिन इलाकों से उनको वोट नहीं पड़ता था ना, उन इलाके के गटर लाइंस में गद्दे घुसा देते थे। अच्छा ठीक सर, बता भी दे, तकिए घुसा देते थे सर, उनके वर्कर्स के वो पानी बाहर निकले। इस सारों को पता है, जो टीवी देख रहे हैं वो मुझे कह रहे हैं ना, जो आपके टीवी में जो कैमरामैन भी बैठे हैं उनको भी पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा नहीं नहीं, वैसे मुझे भी पता है। अच्छा जा यूसी में उनको वोट नहीं मिला, गंदे डाल दो उसके अंदर, गंदे ये लोग सड़े गंदे पानी में, फिर वो आप उन्हीं को कॉल करें, फिर वो खुद ही साफ करें। ठीक, ये हमारा माइंड सेट हो गया है। देखें ये माइंड सेट से मुल्क नहीं, ये मुल्क इसमें तबाह हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ते। मुल्क आगे बढ़ने के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ आप किस जमात से हैं, ये नहीं होता कि जी आपने मुझे वोट नहीं दिया, असल में अगर मैं इलेक्ट हो जाऊं मुझे ज्यादा काम आप पे कर रहे था कि अगली दफा मुझे वोट दें। डेफिनेटली ये नहीं कि आपको सजा दूं मैं कि आपकी तो बिजली काटूं ना पहले, इधर तो कचरा फेंको ना, ये सर अगर पीटीआई आ जाती है इन पावर तो कराची के लिए सबसे पहला कौन सा मसला आप समझते हैं कि जिसको हल होना अभी सबसे ज्यादा जरूरी है? पांच बड़े मसले देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड इमीडिएट इमरजेंसी जो नाफिज करनी होगी ना कराची में, सबसे पहले तो आपको पानी का मसला कराची का, बिकॉज ये एक बहुत डिजास्टर है। अभी आपने बारिशों में देखा कि वो सैलाब जब सड़कें बह गई सर, सड़कों को छोटे लोगों के, ईद के दिन मैं गया हूँ खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गोलीमार और रिजविया और उधर लियाकतबाद के इलाकों में, वहां पे जी लोग दूसरी दूसरी मंजिल बेचारे ईद के दिन ये कर रहे थे काम, छोटे छोटे बच्चों को लेके। कराची का तो ओवरऑल सर हाल बुरा है, चाहे आप प्लांटेशन की बात कर ले, पानी की बात कर ले, कराची की आवाम तो रो ही रहे हैं, और कराची के मसले पता नहीं कब हल होंगे, और अब तो कराची के मसले हल करने के लिए जी बताइए। कराची के मसले जब हल होंगे, जब कराची की आवाम अपने आप को ये रीजनल माफिया से छुड़वा के एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की तरफ देखिए। अच्छा सर, ओवरऑल करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे, बिल्कुल करंट पॉलिटिकल सिचुएशन माफियाज बोला है मैंने। ओके ओके फाइन, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एमक्यूएम पीएसपी के दरमियान आप जानते हैं पिछले तीन रोज से जो भी चल रहा है, उसके बाद अब फाइनली जो है वो डीजी रेंजर का बयान भी सामने आ गया है, और ये कहा जा रहा है कि जो मुलाकातें हुई थी उनमें पीटीआई का भी कोई आम रहनुमा वहां पर मौजूद था, इस हवाले से क्या? पहली बात है कि जब वो एमक्यूएम का और वो हो रहा था तो था, फिर नहीं हो रहा था, तो मैं कहीं बैठा था, मैंने कहा लड़की वाले माने कि नहीं माने, तो वो आपने तो नहीं फारूक सत्तार को, मैं नहीं पता कि लड़की वाले कौन थे इनमें से। अच्छा पहली बात है मैं डिनाई कर दूं, क्योंकि मेरी डायरेक्ट बात हुई है फैसल से, उसने कहा कि कोई मैं उसके अंदर नहीं था, मुस्तफा ने उसका नाम नहीं लिया, ये फारूक सत्तार ने उसका नाम लिया, उसने डिनाई कर दिया। सो आई विल नॉट ट्रस्ट, आई डोंट हैव टू ट्रस्ट व्हाट मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार से, वो अगर मुझे सबूत दिखा दें तो फैसल वाडा के खिलाफ एक्शन हो जाएगा। अच्छा। अगर नहीं दिखाएंगे ऐसी कह दें जी वो बोले जी अली जैदी मैं तो था ही नहीं, मैं तो मुल्क के बाहर था उसी दिन, क्या था तीन दिन के लिए, तो ये फजूल की बात है। ठीक। जहां तक ये आपस में मर्ज हो ना हो, एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े, या एक दूसरे में एक दूसरे से मिलके लड़े, ये वो जाने मैं इसमें क्यों पढ़ू, चाहे पीएसपी जाने, एबीसीडी जाने, आई डोंट केयर, ये इनका अपना इशू है जी। इशू कुछ और है, इशू ये है रूल ऑफ लॉ का। अच्छा देखिए, रूल ऑफ लॉ अगर आप नहीं लेके आएंगे ना, मुझे आप एग्जांपल क्या सेट कर रहे हैं कि मैं हर 10-15 साल में एनआरओ देके सारे क्रिमिनल्स को माफ कर दूं? आपका नाम है सबा, आपका नाम है अच्छा जी, मैंने सबा से कर्जा लिया था मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने सबा से कर्जा लिया जी 10,000 रुपए, और मैंने वापस नहीं किया, चोरी कर ली, डिनाई कर दिया, आपके पास इख्तियार है कि मुझे माफ कर दे? नहीं, इनके यही माफ करेंगे ना। सही। ये अल्लाह ताला का निजाम है, ये मैं अगर आपके साथ या आप मेरे साथ नाजायज कोई गलत काम करें या कोई मेरे खिलाफ, तो अल्लाह ताला नहीं, अल्लाह ताला वो आपके ऊपर मुनसिफ है। बिल्कुल। तो ये कौन होते हैं दूसरे को आवाम का कत्ल गारत करके ये माफी मांगने वाले, बगैर माफी के माफ करते हैं? दोबारा ये एक साथ सर जोड़कर बैठ सकते हैं? इट डजंट मैटर टू मी, मैं इस चीज पे सोचता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ बल्दिया टाउन की, आशूरा ब्लास्ट की, उजैर बलोच की, निसार मोराई की, ये जेआईटीआर तो पब्लिक करे ना। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए जी, बहुत शुक्रिया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं तो कोर्ट में गया हूँ उसके ऊपर, बाकी मिले ना मिले इरिस्पेक्टिव, मैं तो कराची वालों को कह रहा हूँ कि नेशनल पॉलिटिकल
पार्टी के साथ अपने आप को अलाइन करें, एसोसिएट करें। ये रीजनल माफिया आपको सिर्फ ये है ही रीजनल माफिया। चैलेंज है ना। बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब, आप हमारे साथ हैं पीटीआई के रहनुमा, और ओवरऑल जो तमाम सिचुएशन इस पॉलिटिकल चल रही है इस पर तो बात की है, साथ साथ जो इनकी सरकारी मुहिम है केपीके में उस हवाले से भी हमने जाना, और डेफिनेटली लोगों के दरमियान ये अवेयरनेस जरूर क्रिएट करने की हमें जरूरत है, उन्हें ये शऊर देने की जरूरत है कि प्लांटेशन किस हद तक इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो इस वक्त क्लाइमेट चेंजेस चल रहे हैं उस हवाले से भी। जी हाँ बिल्कुल। और अब अनम जो है वो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? मेरा ख्याल है हम लोग लेते हैं छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद वापस आएंगे। कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस, की पॉजिटिव गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब कुछ बात कर लेते हैं डायबिटीज के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जा रहा है, तो ओवरऑल इस हवाले से हमारी भी यही कोशिश है कि लोगों के दरमियान ये अवेयरनेस को क्रिएट किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि डायबिटीज को आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या ये मर्ज वाकई में कोई ऐसा मर्ज है जिसका कोई इलाज नहीं। सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त प्रोफेसर नजमुल इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? शुक्रिया आपको कॉल करने का, बिल्कुल सही, खैरियत से। अच्छा प्रोफेसर साहब, डायबिटीज के हवाले से आज हम बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे लोगों को आप ये बताइए कि डायबिटीज यानी कि शुगर ये क्या है, किस तरह से होती है, इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? देखिए डायबिटीज एक मर्ज है जिसमें शुगर का लेवल खून में बढ़ जाता है। उसकी वजूहात लबलबे में इंसुलिन ना पैदा होने की सूरत में है, या इंसुलिन जो पैदा होती है वो सही तरह से टिश्यूज पे काम नहीं करती और ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाता जी। तो इस मर्ज में ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं, और ग्लूकोज लेवल्स की बढ़ने की वजह से जो है बहुत सारे अलामत जाहिर होती हैं शुगर की, और इसको डायबिटीज कहते हैं। सही। अच्छा सर ये बताइए कि रिस्क फैक्टर क्या होते हैं और इसके सिम्टम्स, साइलेंट सिम्टम्स क्या होते हैं एक आम इंसान को, एक चलते फिरते इंसान को जो बिल्कुल ठीक है उसको पता कैसे चलेगा कि मुझे शुगर है? देखिए सबसे पहले तो डायबिटीज कई किस्म की होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज जो कि आमतौर से बच्चों में होती है, वो आम वैरायटी नहीं है, बहुत ही कम होती है वो। जो आम वैरायटी जो आप हर वक्त देखते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज है। उसके अंदर जो है यूजली अलामत शुरू के दिनों में नहीं होती हैं, कई साल गुजर जाते हैं और अलामत नहीं होती। जब वो शुगर लेवल्स काफ़ी बढ़ जाते हैं तो अलामत शुरू हो जाती हैं। अलामत होती हैं पेशाब की ज़्यादती, प्यास की ज़्यादती, वज़न का कम होना, धुंधलापन, जिसमें मुख्तलिफ इन्फेक्शंस, ये अलामत हैं डायबिटीज़ के। लेकिन अलामत उस वक्त होते हैं जब शुगर काफ़ी बढ़ चुकी होती है। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा अगर ऐसा हो कि किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज़ हो तो ये तो ज़रूर होता है कि उनके बच्चों में से किसी एक में ज़रूर डायबिटीज़ आ जाती है, पर क्या एहतियात करनी चाहिए ऐसे बच्चों को कि अगर उनके पेरेंट्स को है और उनको ना हो? ये देखिए जेनेटिक्स तो आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए कि आपके पेरेंट्स को थी इसलिए आपको भी है। लेकिन एक चीज़ जो आप कर सकते हैं, वो लोग जिनके अंदर ये टेंडेंसी है कि वो अपना वज़न जो है वो मुतनासिब रखें, अकॉर्डिंग टू द हाइट रखें, मोटापा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मोटापा जब होता है तो उसके नतीजे में डायबिटीज़ जाहिर हो जाती है। तो शुरू दिन से जिनकी फैमिली में डायबिटीज़, वो अपना वज़न का ख्याल रखें, खाने पीने का एहतियात रखें, वर्जिश वगैरह रखें ताकि अपने आप को फिट रखें। अच्छा सर एक आम परसेप्शन है कि जो लोग इंसुलिन लेते हैं डायबिटीज़ के लिए वो बड़े खतरनाक स्टेज के ऊपर होते हैं, जो इंसुलिन नहीं लेते वो जो है वो थोड़ा सुपरफिशियल डायबिटीज़ होती है, तो मुझे कुछ ये पता करना है कि एक्चुअली ये जो परसेप्शन है ये है क्या? जो इंसुलिन ले रहे हैं उनके उनको कौन सी डायबिटीज़ है और उनको क्या बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है? नहीं देखिए जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि डायबिटीज़ 2 किस्म की मेन होती है। किस्म अव्वल की डायबिटीज़ टाइप 1 जो बच्चों की होती है वो पहले दिन से इंसुलिन पर जाते हैं। अच्छा। राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। सही। और पूरी जिंदगी इंसुलिन पे रहते हैं क्योंकि उनके लबलबे में इंसुलिन पैदा नहीं होती। जो दूसरी किस्म की डायबिटीज़ है जैसे टाइप 2 या किस्म 2M की डायबिटीज़ कहते हैं, वो उसमें जो शुरू के दिनों में लबलबे में इंसुलिन बनती है जी। लेकिन बाद में वो कोप नहीं कर पाती बॉडी के डिमांड्स को और वो लेवल कम हो जाता है इंसुलिन का और शुगर लेवल्स बढ़ जाती हैं, तो ऐसे में फिर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। शुरू में वो लोग टैबलेट्स पे कंट्रोल हो जाते हैं, बाद में इंसुलिन पे जाते हैं, तो दोनों मतलब दोनों ग्रुप्स में इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। ठीक सर। अच्छा ये बताएगा कि कहते हैं कि डायबिटीज़ जो है अगर किसी को हो जाए तो वो बहुत लाइलाज होता है, यानी आप जिंदगी भर ही इस चीज़ का शिकार रहते हैं? लाइलाज का लफ्ज़ तो सही नहीं इसके लिए, इसका क्योर नहीं है। क्योर नहीं है। हाँ कंट्रोल पॉसिबल है, कंट्रोल बहुत अच्छा लोग मेंटेन करते हैं, जो वाकई अपने डिजीज़ को ख्याल करते हैं वो बहुत अच्छा कंट्रोल मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा तो ये चीज़ अभी तक तो बट सर लाइफ थ्रेटनिंग तो है ना इसकी वजह से और बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती जी बिल्कुल है, लेकिन अगर आप कंट्रोल करेंगे तो वो जो कॉम्प्लिकेशन हैं
लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस उसके इम्कानात को आप काफ़ी कम कर देते हैं। ठीक, अच्छा इम्कानात को आप कम कर देते हैं तो सर इसमें डाइट्स जो हैं उसके वाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर जो है एक अहम खबर से आपको आगाह करें और आपको बताएं कि नवाज शरीफ ने 3 रेफरेंसेस को यकजा करने से मुतालिक एहतसाब अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद से। जी आसिफ नवीद, मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी सभा, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें मौका अपनाया गया था कि जो नवाज शरीफ है उन्होंने तीन रेफरेंसेस को यकजा करने के लिए इस्तदा की थी इस्तदाब को अदालत में, जिन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया। ताहम जिस पर हाई कोर्ट ने रिव्यू के लिए हदायत की थी एहतसाब अदालत को कि वो एक दफा फिर इनकी दरख्वास्त पर रिव्यू करें और फैसला दें। ताहम जब उन्होंने दोबारा रिव्यू किया तो फिर एक दफा उनकी ये इस्तदा मुस्तरद कर दी एहतसाब अदालत ने, जिसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक बार नवाज शरीफ के वकील ने राबता किया है और बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर की है जिसमें मौका अपनाया गया है कि तीनों रेफरेंसेज एक ही नोयत के हैं तो लिहाजा इनको यकजा किया जाए और एहतसाब अदालत ने जल्दबाजी में फैसला दिया, तीनों रेफरेंसेज को यकजा करने से मुतलिक एहतसाब अदालत का जो फैसला है कालअदम करार दिया जाए। और उनके वकील आजम तारड़ की अपील की जानब से अपील की गई और आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा की गई है। ताहम बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार ऑफिस में दरख्वास्त मौसूल हो गई है, अब उस पर फैसला होगा कि वो आज ही समाअत के लिए मुकर्रर होती है या उसमें कोई इतराज़ लगा दिया जाए। बिल्कुल ठीक, अच्छा आसिफ तुम्हें ये भी बताएगा कि क्या नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, क्योंकि कल उनकी पेशी भी है एहतसाब अदालत में? देखिए नवाज शरीफ साहब ठीक है, आप नवीद जो है वो अपडेट कर रहे थे हमें, आपका बहुत शुक्रिया। और अब देखना यह है कि क्या होता है इनकी दरख्वास्त के हवाले से। सर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर साहब। अच्छा सर मैं आपसे ये पूछ रही थी कि क्योंकि क्योरेबल तो है लेकिन कंट्रोल्ड भी किया जा सकता है, क्योरेबल नहीं है लेकिन कंट्रोल्ड है, तो कितनी ज्यादा इसके अंदर आपको तवज्जो देने की जरूरत होती है अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर? बिल्कुल, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पहला स्टेप है इलाज का, इसके अंदर खाने पीने का ख्याल और रोजाना फिजिकल एक्टिविटी करना, ये दो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जुमरे में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। दवाइयाँ और इंसुलिन उसके बाद आती हैं। सही, अच्छा सर ये भी तो कहते हैं कि अक्सर उन लोगों को शुगर हो जाती है जो बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं या बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं, थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर होता है लेकिन मेन फैक्टर नहीं है। मेन फैक्टर नहीं, डायबिटीज डेवलप होने की वजह जो है बेसिकली लाइफ स्टाइल की वजह से मोटापा और जेनेटिक्स जो है वो तो है सर। लेकिन आजकल हमारी जो रूटीन है, जिस तरह हम लोगों का ज्यादातर काम ऑफिस वर्क होता है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे लोग किस तरह से अपने लाइफ में इस चीज़ का बैलेंस रख सकते हैं कि वो एक्सरसाइज भी करें और साथ साथ इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकें? देखिए उसके लिए उनको एक डेडिकेटेड टाइम निकालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ आधा घंटा 20 मिनट निकालें अपने बिजी लाइफ स्टाइल बिजी शेड्यूल से, और या तो काम करने से पहले सुबह सुबह कर लें या आने के बाद खाना रात का खाना खाने से पहले इसको यूज़ करें। अब उसके लिए पार्क भी जा सकते हैं, घर के अंदर अगर ट्रेडमिल वगैरह पे यूज़ करना चाहते हैं, कोई साइकिल है या कोई गेम्स खेलते हैं लोग, स्विमिंग करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो ये सारी फिजिकल एक्टिविटी के जुमरे में आते हैं, ये एक रूटीन हो जाए उनके, तो ये चीज़ जो है वो एक आपके जो है शेड्यूल में शामिल हो जाएगी और आप मुस्तकिल करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक, अच्छा से ये भी बताएगा कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अब कहा जा रहा है कि अगर इस चीज़ पर मजीद इकदाम नहीं किए गए तो 2030 तक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये 7th फेटल डिजीज़ बन सकती है। जी तो बिल्कुल, इसकी जो प्रिवेलेंस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इट्स एन एपिडेमिक एट द मोमेंट इन द वर्ल्ड, और इसको रोकने के लिए जो है इकदाम इंटरनेशनल लेवल पर होने चाहिए, हर कंट्री में होने चाहिए, और अगर ये जो नहीं करेंगे तो फिर वो उनके यहाँ डायबिटिक पेशेंट्स की तादाद बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल ठीक, तो सर पाकिस्तान में इस वक्त क्या रेशो चल रही है इसकी डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से, क्योंकि अमेरिका में तो मैंने सुना था कि तकरीबन 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो डायबिटिक हो चुकी है अब तक? नहीं, 50% की फिगर सही नहीं है अमेरिका के लिए, फिगर जो है वो कम है काफ़ी, लेकिन पाकिस्तान की जो पुरानी फिगर थी वो तो तकरीबन 12.5% लोग अडल्ट पॉपुलेशन को डायबिटीज़ थे, लेकिन जो अभी रीसेंट मोस्ट रीसेंट जो फिगर एक आई है उसके अंदर वो बता रहे हैं कि 1 in 4 अडल्ट पेशेंट्स जो हैं वो डायबिटिक का मर्ज का शिकार है। अच्छा सर ओवरऑल अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें, जहाँ पे हम WHO की रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं या फिजिकल फिटनेस के हवाले से बात करते हैं, लेकिन एक आम आदमी को अगर डायबिटीज़ हो जाए तो वो लगता है उसकी दुनिया बंद हो गई, वो कहते हैं मुझे तो शुगर है मैं ये भी नहीं कर सकता, मुझे तो शुगर है मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता। ये बताइए कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं बेसिकली डायबिटीज़ कहते हैं कि अगर डायबिटिक पेशेंट है और वो स्ट्रेस ले रहा है ज़्यादा तो उसके हार्ट के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है, उसकी किडनीज़ के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है, किस हद तक की बात ठीक है? और कुछ लोग ये कहते हैं कि जी घर में ही अगर आपने शुगर कम खानी शुरू कर दी है तो आप ठीक हो जाएंगे, दवाइयाँ लेने की क्या ज़रूरत है इसकी? नहीं देखिए, ये जो लोगों का परसेप्शन है वो सही नहीं है कि भाई अगर आपको डायबिटीज़ हो गई तो आपकी दुनिया बंद हो गई, ऐसा कुछ नहीं है।
बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं आपको, फिजिकल एक्टिविटी से भी हम रोकते नहीं किसी किस्म की। जो लोग इंसुलिन पे रहते हैं वो हर किस्म का गेम भी खेल सकते हैं, लेकिन उनको कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं गेम गेम खेलने से। नोवा के हवाले से अगर बात की जाए तो जहाँ पर वज़ीर आला शहबाज शरीफ भी उनके साथ कंबाइन बहुत ज़्यादा मुहाइदे कर रहे हैं और नोवा भी इस अमल में पाकिस्तान में इकदाम करेगी, इसकी ओवरऑल आप नोवा की जो खिदमत हैं उसको कैसे देख रहे हैं? नोवो नॉर्डिस की बात कर रहे हैं जी, नोवो नॉर्डिस देखिए वो तो बेसिकली एक इंसुलिन प्रोड्यूसिंग कंपनी है और उसका मतलब के मेन वन ऑफ द मेन कंपनीज है जो कि इंसुलिन मार्केट करती है पाकिस्तान में। ये काफ़ी मतलब के एक्टिविटीज़ पेशेंट के लेवल पे भी कर रही है और डॉक्टर्स के लेवल पे भी करते हैं ताकि ये डायबिटीज़ की अवेयरनेस बढ़े, डायबिटीज़ को सही तरह से मैनेज की जाए, ये एक्टिविटीज़ ये बहुत रेगुलर बेसिस पर। सर अच्छा ये भी बताएगा कि जब किसी को शुगर हो जाती है तो वो कहते हैं कि जी बिल्कुल भी आप मीठा ना खाएं, तो फलों की हद तक का मीठा आप खा सकते हैं या नहीं, और दिन में कोई ऐसी आप अगर टाइमिंग बता दें कि जी अच्छा इस टाइम पर अगर आप मीठा खाएं तो ठीक है, रात के टाइम अगर मीठा खाएं तो ये मुनासिब? टाइमिंग्स का तो नहीं है, लेकिन देखिए फ्रूट्स हम अलाउ करते हैं पेशेंट्स को, लेकिन उसकी भी क्वांटिटी लिमिट कर देते हैं, 2-3 फ्रूट्स अ डे हम अलाउ करते हैं। 2-3 फ्रूट्स इज रीजनेबल क्वांटिटी, मतलब आम खा सकते हैं जी, आम भी खा सकते हैं, लेकिन आम भी जो है जैसे अनवर ओटोल जैसा छोटा आम है वो तो एक खा सकते हैं, लेकिन सिंदड़ी और चौसा जैसा है वो तो आधा खाएं, तो खा तो सकते हैं लेकिन हमेशा क्वांटिटी को रिस्क क्वांटिटी को मद्देनजर रखते हुए। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सर आप हमारे साथ मौजूद थे और डायबिटीज के हवाले से बात कर रहे थे, ओवरऑल डायबिटीज के हवाले से।